हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज है महालक्ष्मी पूजन, तो हैप्पी महालक्ष्मी। और मैं आ गई हूँ किचन में पूजा की तैयारी के लिए। वैसे पूजा तो शाम को होगी, लेकिन अब शायद 2-2.5 बज गए हैं, तो मैं इनकी पूजा की तैयारी भी कर लें। तो जो गुनों गठारा बनते हैं, तो बस वही बना रहे हैं, मीठे और नमकीन, और उनका जो श्रृंगार बनता है वो भी। तो आइए अब हम बनाते हैं गुना कठोरा और पूजा की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सुबह अभी थोड़े पहले ही गला दिया था गुड़। थोड़ा सा आटा लिया है और अब इसमें मिला दूंगी मैं रवा। रवा मैंने पहले ही थोड़ा देख लिया था और अब इसमें थोड़ा सा मैं मिला दूंगी रवा। रवा को और छान लूंगी। वैसे कुछ नहीं, लेकिन एक बार अच्छे से छान लेती हूँ। ये देखिए, क्योंकि रवा पहले का रखा हुआ था तो वही मैं देख रही थी, और मैंने छाना तो कुछ भी नहीं निकला। और बस रवा मैदा को मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मोम, और फिर मोम को भी अच्छे से मिला लेंगे। और फिर आटा लगाकर 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी, जिससे आटा अच्छा हो जाए। और बस यहाँ पर फिर मैंने आटा देखा कि अच्छा हो गया 10-15 मिनट बाद, तो फिर मैंने थोड़ी छोटी छोटी लोई तोड़ ली थी, और ये मैंने लोई को बेलकर पूरी बराबर और उनको काट लिया था खुरमी टाइप सी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है इस टाइप की, काना को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसीलिए मैंने कि अब कभी तो वैसे बनाते भी नहीं हैं, तो मैंने कहा अच्छा है, नमकीन और मीठे बच्चे खा लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह की सभी पूड़ी बेलकर और काट ली है। और अब हम बना रहे हैं नमकीन वाली। और यहाँ पर मेरे नमकीन भी बन चुके हैं, और ये वाले मीठे जो गोल रखी हुई हैं, तो ये वाली मैं पूजा में रखूंगी, इसलिए मैंने 16 बनाई हुई हैं। 16 नमकीन बनाते हैं इसी टाइप में, और 16 बनाते हैं मीठे। और बस मैंने थोड़ा सा ही श्रृंगार बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फिर गाय को ही देना पड़ता है। और फिर वहाँ पर क्या है कि मतलब जो आते हैं, ये देखिए मेरी थाली भी लग चुकी है, मैंने मतलब वो फ्राई कर ली हैं जो भी मैंने बनाया हुआ था, गहने वगैरह थोड़े से। और बस, और यहाँ पर ये नमकीन भी बना, मीठे वाले हैं सॉरी, इनको भी तल लेंगे। और इसके बाद हम करेंगे पूजा की तैयारी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी भी हो गई है, और मैं भी तैयार होकर पूजा शुरू कर दी है। और मैं रिचा को बोल रही थी कि मतलब ये जो हाथी है, तो मतलब हम लोग ये वाले हाथी कभी नहीं जो चल रहता है इसमें, देखिए कलर भी है, वो कलर नहीं रहता, सिर्फ मिट्टी का ही रहता है। और ये देखिए, ये तो पहले से कलर है। तो यहाँ पर मैंने हल्दी घोलकर उसकी सूंड रंगते हैं हल्दी से, उसमें दिखता है जो कच्ची मिट्टी का रहता है, ये पहले से ही कलर है। तो मतलब हम लोग करते नहीं हैं इस वाले हाथी की पूजा, तो वही मैं बोल रही थी रिया से कि पूजा और ही आ गई थी, तो मतलब वो वाला हाथी लाना था। आप हमेशा तो देखती हो कि अपन किस टाइप के हाथी की पूजा करते हैं, उसमें दिया रखने के लिए भी बने रहते हैं, 16 दिया रखते हैं। तो मैंने दिए तो पहले ही बना लिए थे, मुझे पता था कि यही वाली लेकर आएंगे ये हाथी, वो वाला सॉरी। लेकिन इन लोगों को मिला ही नहीं, बोल रही रिया बोल रही थी, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि इस टाइप के हाथी की पूजा होती है, इनकी इसकी भी होती होगी, लेकिन पहली बार हम लोग कर रहे हैं ये वाले हाथी की। नहीं तो हम जो कच्चा आता है, कलर नहीं रहता उसमें, उसी वा और दिया रखने की भी उसमें बने रहते हैं, तो उसी वाले हाथी की हम पूजा करते हैं। और यहाँ पर देखिए, बस इसमें तो कुछ था नहीं, तो मैंने थाली में रखे रहने दिए दिए। और जो गड़ा रहता है जब नहाते समय अपन 16 डालते हैं, तो बस मैंने उसको भी निकाल कर रख दिया है, और उसकी भी पूजा कर दूंगी और धूप दीप दिखा दूंगी। अब रिया कहने लगी यही वाले की कर लो, अब क्या आ ही गया, हो सकता है भगवान कोई मंजूर हो कि इस बार आप इस वाले हाथी की पूजा करना है। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने ये 16 वाले मीठे और 16 वाले नमकीन
चढ़ा दिए हैं और आटे के 6 बिछिए बनते हैं। मैंने आपको वो वीडियो बनाया नहीं, ये पूड़ी रखी उसके ऊपर ही रखे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। मैंने फिर मावर हल्दी लगा दिया है और अब हम जला देंगे। मैंने कि अब थाली में ही रखने दो, पटापा कहाँ रखें, तो फिर मैंने कि थाली में रहने दो, अब क्या करें। तो बस मैंने थाली में दिए को जला देते हैं और जब हाथी पर दिया रख कर जलाओ ना तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फिर मैंने आरती भी कर दी है। और यहाँ पर मैं किताब पढ़ रही हूँ। वैसे किताब में तो कुछ भी ऐसी कथा नहीं है कि किस वजह से क्या रखा जाता है, लेकिन मतलब उसमें बताया गया है कि किस दिन ये कौन से महीने में करा है, बस और कुछ कथा नहीं है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ पर बोलते हैं 16 गेहूँ या चावल लेकर बोलते हैं, जो कहानी वो मैं आपको बताऊँगी आगे। और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा हो चुकी है। बस यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ, हवन कर रही हूँ बस। और यहाँ पर जो गड़ा रखा हुआ था तो उसको भी मैं धूप दीप दिखा दूंगी और इसके बाद हाथ में बांध लूंगी। ये देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि हमारे इधर कहानी बोली जाती है, तो बस मैंने 16 चावल गिन लिए थे और एक एक कहानी बोलते, यही वाली कहानी जो मैंने बताया बोली हुई है, यही वाली कहानी 16 बार बोलते जाएंगे और जो कलश रखा हुआ उसमें ये एक एक चावल डाल दे जाएंगे और ये कलश का पानी फिर पेड़ों में डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है, आरती भी कर ली है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यहीं पर करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बाय।